ये चुनावी सभा नहीं है, ये तो विजय की सभा है। आप बताइए, इस जन सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। साथियों, महज कुछ घंटे बाकी रह गए, थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आगामी 20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव बहुत सरल है, एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश है। आपको विकास और विनाश में से चुनना है। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर जाति हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया, आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाने का काम किया, उज्ज्वला के माध्यम से घर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग के घर में बीमारी आती थी तो महिलाओं को जेवर हम लोगों को जमीन के भी रखनी पड़ती थी, पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आयुष्मान के माध्यम से भगवान न करे अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी। आज हमें घर से कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है, हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले दस सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो दूसरी तरफ हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे भूख गर्मी धूल मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में कैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर हमारी सरकार जहां मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजो कर चलने का काम कर रही है, तो वही हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना इसका श्रेय मैं मेरे नेता आदरणीय रामविलास देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूँ कि जो लोग झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाने करते हैं, उनसे क्या बोलते थे ये कांग्रेस राजद के लोग लोकसभा चुनाव में, कहते थे अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोग
बचिया जिन लोगों से साढ़े पांच महीने हो गए आरक्षण की मांग, कहां का संविधान खत्म हुआ, कौन सा लोग आप लोगों के बीच मैं मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके बोलता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न आरक्षण को कोई खबर है ना संविधान को कोई खबर है। पर जो हाथ में संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते हैं, किसने संविधान की हत्या की थी? सन 75 में अपार का लेकर इन लोगों ने संविधान की हत्या करने का काम किया, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। साथियों, आज ये मौका है हम लोग के पास सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनने का, एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का जिन्होंने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार का झारखंड में आना जरूरी है। अगर ये सरकार वापस हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है तो जैसे पिछले 5 सालों में झारखंड तमाम सुख सुविधाओं के होते हुए झारखंड पिछड़ता गया, आने वाले 5 सालों में भी हम लोगों का वर्तमान, हमारे बच्चों का भविष्य ये लोग बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस राजा के में जाने जाते हैं, वही दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री की सोच वाली सरकार आती है। हमारे प्रधानमंत्री ने जिन्होंने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने भगवान बिरसा को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने समाज के हर को साथ लेकर चलने का, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। ऐसे में साथियों, ऐसे में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी एक सपना देखा था, विकसित झारखंड का सपना। उनके इस सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ मैं चिराग पासवान आगे निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को यहीं पर अच्छी शिक्षा, यहीं पर रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार मिले। पर चिराग पासवान विकसित झारखंड का ये सपना अकेला पूरा नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है आप सबके साथ की और सबके सहयोग की। साथ दीजिएगा हमारा, हमारी इन बातों को घर घर तक पहुंचाइएगा। हमारी बहन रागिनी सिंह जी को यहाँ से भारी मतों से जिताने के लिए बोलिएगा सबको। ऐसे नहीं, सबको चिराग पासवान बनकर होगा, जाइएगा तेरा हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये आग्रह कि अगर मेरी बहन रागिनी जी यहाँ से जीतती है तो ये जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी, इनकी जीत से मजबूत मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूती होगी। अश्व मजबूत होगा और तो आप सबका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान भी अपनी बहन के जीतने से मजबूत होगा, तो इनकी जीत को सुनिश्चित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। 20 तारीख को वोट देने जाइएगा ना, अकेले जाइएगा, सबको लेकर जाना, गांव में एक एक घर, एक एक बुजुर्ग महिला युवा सबको लेकर जाना। और कितने नंबर पर वोट पड़ने वाला है सबको पता है? 2 नंबर भैया, सब लोग 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। साथियों, ये 2 नंबर विजय का भी निशान है, जिनके नंबर में ही विजय का निशान आ गया। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।